एक आइडिया है। आप बोले तो मैं बता दूं। अरे तो जल्दी बताना। आपके बंगले में न दीवार होनी चाहिए, न छत होनी चाहिए और न ही जमीन होनी चाहिए। ये भी सही है गुरु, ऐसे बंगले बनाने में खर्चा भी कम होगा गुरु। तो ठीक है, जब हम संसद पहुंच जाएंगे तो ऐसा कानून बनवाएंगे कि देश के हर नागरिक के घर में न छत होगी, न दीवार होगी, न जमीन होगी। वो तो सब ठीक है गुरु, लेकिन फिलहाल जो छर्रा ये फोन लेकर आया है उसका क्या करें? अरे ये सारी मुसीबत की जड़ ये छर्रा, सॉरी ये फोन है, इसको तो मैं हेलो। एक किलो गुलाब जामुन चाहिए। गुलाब जामुन? तेरे खानदान में किसी ने गुलाब जामुन खाए हैं? अगर दोबारा फोन किया ना तो गुलाब जामुन का रस तुम्हारे शरीर पर डालकर चीटियां छोड़ दूंगा। चल रख रख रख। मैंने सोच लिया है कि जब मैं संसद पहुंच जाऊंगा तो कानून बनवाकर समूचे देश में गुलाब जामुन की बिक्री पर रोक लगा दूंगा। धन्य गुरु। गुरुजी जिंदाबाद। गुरुजी जिंदाबाद। गुरुजी जिंदाबाद। बस 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 बस। तो हम कहां थे भैया जी? आप तो एक घंटे से यहीं पे थे। अरे यहां थे लेकिन हम बातों में कहां थे गुरु? तो वैसे भी तो आप बात में सबसे आगे ही रहते हैं। अरे बेवकूफ, हमारा कहने का मतलब कि हम क्या कह रहे थे भैया जी? आप कह रहे थे जब आप संसद में जाएंगे ना तो सबके लिए बिना छत, बिना दीवार और बिना जमीन वाला कानून बनवाएंगे ना? ये तो तब होगा गुरु जब आप इलेक्शन जीतेंगे और संसद पहुंचेंगे। अगर आप इलेक्शन तब जीतेंगे जब आपको टिकट मिलेगा। और आपको टिकट मिला कि नहीं ये जानने के लिए आप प्यारे मोहन शर्मा जी को फोन करिए।